नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2020 के गणित के हल प्रश्न पत्र का पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में मैं पहले 10 प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं प्रश्न संख्या 41 से। तो 41 से लेकर प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को मैं हल करूंगा। तो 41 प्रश्न संख्या 41 है, 7 का व्युत्क्रम होगा। तो यहां बता दूं को व्युत्क्रम को ही हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों एक ही है, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो 7 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिस संख्या से हम 7 को गुणा करें तो आंसर हमारा 1 आए, और 1 को हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। तो आप देखिए, 7 से हम किसको गुणा करें कि यह 1 आ जाए, तो ये निश्चित रूप से 1/7 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहां देखिए ना, 7 और 7, 7 एका 7 कट गया, तो ये 1 एका 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां एक बात फिर से याद कर लीजिए कि इस 1 को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। प्रश्न संख्या 42, 900 का वर्गमूल होगा। तो आइए इसे निकालते हैं, 900 का वर्गमूल। तो यहां पर हम जानते हैं 9 का वर्गमूल तो आपको याद है, ये क्या है, 3 है ना। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ जाता है, तो 9 का वर्गमूल 3 है। अब इसके बाद 9 समय यहां पर 2 शून्य है, तो 2 शून्य की जगह 1 शून्य ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 30। तो 900 का वर्गमूल हो गया 30। 30 को 30 से आप गुना करेंगे तो देखेंगे फिर 900 आ जाता है। तो इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल इसी तरह से हम लोग आसानी से निकालते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 43, 1000 का घनमूल है। तो निकालते हैं 1000 का घनमूल। 1/3 शून्य होते हैं इसमें, तो हम 1000 यानी 1000 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है ना, तो ये देखिए 10 का ये त्रिक बन गया। तो क्या करेंगे, ये जो त्रिक है इसके लिए हम निकाल लेते हैं ये 10। तो ये 1000 का घनमूल हो गया 10। ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, x^0 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का घातांक अगर शून्य होता है तो उसका मान हमेशा होता है 1। प्रश्न संख्या 45, 39 का व्यापक रूप है, यानी जेनरलाइज्ड फॉर्म, ये फॉर्म नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, फॉर्म। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 10 गुना 3 यानी 30 हो गया। चलिए इसको फिर से हम करके बना के ही दिखा देते हैं। 39 को हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 9, ऐसा लिख सकते हैं, और 30 मीन्स 10 गुना 3 प्लस 9, तो ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म। प्रश्न संख्या 46, 15 -5 स्क्वायर एवं 6m² - 13m का योगफल होगा। तो आइए जोड़ते हैं इसको, 15 m है, फिफ्टीन एम माइनस फाइव
एम स्क्वायर, और इसमें हम जोड़ेंगे सिक्स एम स्क्वायर माइनस 13 एम। स्क्वायर टू, अब ब्रैकेट हटा देंगे, 15 एम माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर माइनस 13 एम। तो अब समान, इसमें तरीका यह होता है कि जो समान पद होते हैं है ना, तो उसको एक जगह रखते हैं तो आसान हो जाता है। तो यहां समान पद ये और ये है, और फिर ये और ये है, तो एम स्क्वायर वाले को हम पहले लिखते हैं। चलिए, तो इससे पहले लिख रहे हैं कि यहां आंसर में सब एम स्क्वायर वाला जो पद है वो पहले है, तो माइनस एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो एम वाला पद है उसको लिखते हैं, प्लस 15 एम माइनस 13 एम। तो देखिए, माइनस एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर, तो ये हो गया 5 एम स्क्वायर, है ना। देखिए देखिए, यहां पर मैंने गलती कर दी, ये एम स्क्वायर नहीं 5 एम स्क्वायर है ना। देखिए सॉरी, ये गलती हो गई थी, तो इसे मैं सुधार देता हूं। हाँ, तो ये माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हो गया, प्लस ये 15 एम से 13 एम घट गया, तो ये हो गया 2 एम। तो ये कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 47, 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 घटाने पर प्राप्त होगा। तो चलिए घटाते हैं, 3x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 1, तो ये लिखेंगे 3x प्लस 3 माइनस, अब ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये होगा 3x, और देखिए ब्रैकेट के अंदर ही माइनस है, और यहां ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो क्या होगा, अंदर का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो यहां भी पर देखिए, ये जो है 3x, इसका साइन है प्लस और ये 3x का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया 3 प्लस 1 यानी 4, तो हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो देखिए ये एक सर्वसमिका ही है, और इसका इसके बराबर हो जाता है, यहां पर मैं सीधे बराबर लिख रहा हूं, ये हो जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सर्वसमिका ही है, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, ये भाग देना है, 91y³ भाग 13y, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 91y³ भाग 13y इक्वल टू 91y³ बटे 13y। और इसे अब हम 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना y, और ये बटे में हो जाएगा 13 गुना y। तो देखिए ये y कैंसिल हो गया, ये 13 कैंसिल हो गया, तो ये बच किया गया इसका 2 7, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो ये कौन सा है, ये सेकंड। प्रश्न संख्या 50, ये एक समीकरण है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 में x का मान होगा, तो आइए इसे हल करते हैं समीकरण को।
2x माइनस 1 इक्वल टू 3, या 2x इक्वल टू 3 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो गया 4 बाई 2 यानी 2। तो ये ऑप्शन नंबर 3, x का मान आ गया हमारा 2। तो ये थे क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2020 का जो हल प्रश्न पत्र है गणित का, उसका पार्ट 1 वीडियो। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।